विवेक रंजन अग्निहोत्री की नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दशकों से छाई एक चुप्पी को तोड़ने का काम किया है। यह चुप्पी 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के सुनियोजित नरसंहार से जुड़ी है, जिस पर छद्म पंथ निरपेक्ष तबके ने एक प्रकार का आवरण डाला हुआ था। कश्मीर फाइल्स को सफलता के झंडे गाड़े जा रही है इस फिल्म ने 250 करोड़ का कारोबार पूरा कर लिया है। इस अच्छी अवसर पर रांची के जो पंडित वर्ग हैं, उन्होंने यह फैसला लिया है कि रांची में जितने भी पुरोहित हैं, पंडित हैं, जितने सन्यासी हैं, आज तक जिन्होंने सिनेमा हॉल का दर्शन तक नहीं किया है, उनको मुफ्त में यह फिल्म दिखाई जाएगी। आइए सुनते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से बॉर्डर पे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उस देश के अंदर ये हमारे साधु संत जितने भी हमारे पूजनीय हैं, ये हमारे हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए पूरी तत्परता से लड़ते हैं और अपने पूरी गृहस्थी घर गृहस्थी को छोड़कर और हमारे समाज को बचाने के लिए 2400 घंटा समय देते हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि जो कश्मीर में घटनाएं घटी थीं, एक उस पर हम फिल्म नहीं कहेंगे क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म वो नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि सत्य पर आधारित फिल्म बनी है, उसको दिखाना। चूँकि हमारे परिवेश में अभी कोई व्यक्ति रियल पर भरोसा नहीं करता, रील पे ज़्यादा भरोसा करता है। हम लोग घर में भी देखते हैं, अगर हम कुछ बात रखते हैं तो उसे भरोसा नहीं करता, अगर उसको टीवी के माध्यम से दिखाया गया तो तुरंत भरोसा होता है कि टीवी में आया था। तो इसी तरह से एक व्यवस्था को दिखाने के लिए एक डायरेक्टर ने, विवेक जी ने प्रयास किया कि हमारे देश में जो घटनाएँ घटी हैं, जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी कश्मीर फाइल्स। तो हमारा प्रयास था कि जो साधु संत जो आज तक सिनेमा हॉल तक नहीं गए हैं, हमारे साथ जो भी साधु संत महोदय से मैं आग्रह किया, मिला और उनसे निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस व्यवस्था को, इस फिल्म को देखें, क्योंकि हमारे लोग सर कितना अत्याचार हुआ है, मैंने फिल्म देखी है। तो हम चूँकि उस समय जब घटनाएं घटी थी तो हमारे पास वो बातें नहीं आईं, चूँकि बात को छुपा दी गई, बातें प्रचारित नहीं की गई, हम लोग नहीं देखा। जब ये फिल्म के माध्यम से आई है तो आज लगता है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है और रोज़ हो रहा है। ये कश्मीर फाइल्स का ही मुद्दा नहीं है, अभी रोज नए नए फाइल्स खुल रहे हैं, आप बंगाल में देख रहे हैं, केरला में घटनाएं किसी घटी, हर जगह घटित हो रही हैं। तो हमको कितनी से तैयारी करनी है, कितनी बड़ी खतरा है हमारे देश में, हम कितने खतरे से घिरे हुए हैं, उसकी तैयारी है। तो हम लोग को इस फिल्म देख करके आभास करना है और एहसास दिलाना है कि कितनी बड़ी खतरा है, उसके लिए कितना मुझे तैयार रहना है। तो हमने सभी साधु संतों से आग्रह किया, हमारा निवेदन स्वीकार हुआ है कि हम लोग चलेंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने मंदिर में और समाज सेवा में लगे रहते हैं, बहुत कम समय होता है उनके पास। तो हमारा सब लोगों ने आग्रह स्वीकार किया है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि 30 मार्च को फन सिनेमा में 12:40 में हम लोग फिल्म देखने का निर्णय लिए हैं और उसके बाद फिर जो बातें होंगी, हम लोग फिर अगर आप लोग मिलेंगे तो आप लोग से बताई जाएगी कि क्या हम लोग का आगे का कार्यक्रम रहेगा। हमारे बीच में उपस्थित उद्योगपति फिल्म निर्माता अजय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आचार्य कृष्ण, श्रीमद् भागवत वक्ता, भविष्य वक्ता। आज बहुत खुशी मुझे हो रही है कि उद्योगपति अजय सिंह जी ने जो बातें कही उसका मैं समर्थन करता हूं कि कश्मीर फाइल्स एक गहन चिंतन का विषय है और धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को एक होना होगा और एक होकर देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा। इस कश्मीर फाइल्स के माध्यम से उद्योगपति अजय सिंह जी ने जो निर्णय लिया, शवों को अपने द्वारा खर्च के द्वारा जो व्यवस्था की, 240 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो व्यवस्था इन्होंने किया है, ये साधुवाद के पात्र हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, क्योंकि 2040 पूरे भारतवर्ष को दिखाएंगे और जब लोग देखेंगे तो उनके मन में भारत माता के प्रति श्रद्धा जगेगी
और सनातन धर्म की रक्षा, साधु संतों की रक्षा, हमारी बहन बेटियों की रक्षा कैसे होगी, इस पर लोग मनन करेंगे और सनातन धर्म की पताका फहरेगी। मैं अजय सिंह जी को साधुवाद तो देता ही हूँ, साथ में हमारे आए हुए अतिथि सौम्य महाराज जी को एवं शिव चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाराज जी सहित जितने विद्वान लोग आए हैं उन सबों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। मैं माननीय भारत के रत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि अग्निहोत्री जी के द्वारा बनाए गए जो पिक्चर है कश्मीर फाइल्स, उसका समर्थन उन्होंने किया। मैं गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को एवं सभी नेताओं को भी अभिनंदन करते हैं कि जिन लोगों ने इसका समर्थन किया और देश की जनता को बताया कि जो सत्य है, सत्य पर आधारित जो घटनाएं हैं वह लोग जरूर देखें और देख करके अपने हृदय में मनन करें। भारत के जनता को, भारत के निवास करने वाले सनातन धर्मावलंबियों को मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करके अजय सिंह जी जैसे व्यक्ति के साथ देने की आवश्यकता है, धर्मावलंबियों को साथ देने की आवश्यकता है। अगर लोग साथ देंगे तो धर्म की पताका फहरेगी। सनातन धर्म तो अजेय है, अमर है, किंतु इस अजेय अमर को कीर्तिमान बनाने के लिए धर्म की जो पराकाष्ठा है, भारत की जनता की रक्षा कैसे हो, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ भारत माता के चरणों में मैं आचार्य कृष्ण वंदना करते हुए सभी विशिष्ट लोगों को मैं और मीडिया के लोगों को आशीर्वाद के साथ अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।